हेलो फ्रेंड्स एंड माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंग्लिश एक्सप्रेस। दिस इज रवि सिंह प्रेजेंट हियर। बैक टू बैक एंड लेसन एडवांस नंबर ऑफ नाउन। दिस लेसन हैज बीन अपलोडेड फॉर दोज हु प्रिपेयरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेशली। आई होप यू विल लर्न विद योर फुल कॉन्सेंट्रेशन। सो लेट्स लर्न एडवांस नंबर ऑफ नाउन। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द बेसिक नंबर ऑफ नाउन ऑन दिस यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंग्लिश एक्सप्रेस। एब्सोल्युटली यू कैन वॉच नाउ एंड लर्न इट। गाइज यहाँ प्लुरल फॉर्म ऑफ फॉरेन वर्ड्स देखते हैं। यहाँ पे कुछ फॉरेन लैंग्वेज में नाउन का प्लुरल फॉर्म देखते हैं हम लोग। ओके, फर्स्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे एजेंडम, उसका प्लुरल फॉर्म एजेंडा होता है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। सेकंड में एनालिसिस, उसका प्लुरल फॉर्म एनालिसिस। थर्ड में आपको दिख रहा है एंटीना, एंटीनी, उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं दोस्तों। आप नेक्स्ट देख रहे हैं अपेंडिक्स, इसका प्लुरल फॉर्म अपेंडिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं बेसिस, प्लुरल फॉर्म बेसिस। ओके, तो आप इसे याद करेंगे, ये फॉरेन वर्ड्स है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्राइटेन, उसका प्लुरल फॉर्म क्राइटेरिया। ओके गाइज, फिर आप नेक्स्ट आप यहाँ पे देखते जाएं। ओके, दोस्तों आप यहां देख रहे हैं डेटम, उसका प्लुरल फॉर्म डेटा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं फॉर्मूला, इसका प्लुरल फॉर्म फॉर्मूले। ओके, तो आप इसे देख लेंगे, बस इसमें ई ऐड किया है लास्ट में। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मीडियम, इसका प्लुरल फॉर्म मीडिया। गाइज यहाँ आप देख रहे हैं मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ओएसिस, ओएसिज, प्लुरल फॉर्म है इसका। आप नेक्स्ट फिर से देख रहे हैं यहाँ पे स्टिमुलम्स, इसका प्लुरल फॉर्म। गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टिम्यूल्स, स्टिम्यूली, एक्स्ट्रा। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा है स्ट्राटम, ये लास्ट में है स्ट्राटा, आप इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि एजेंडम है फर्स्ट में, सेकंड में एराटम है, छापने की भूल। गाइज यहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट में एलामुनस, एलामुनी, ऐसे वर्ड हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हानिकारक कीटाणु, बैसिलस, बैसिलाई, बैंडिट, लुटेरा, बैंडिटी, बेसिस, बेसिस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, ये पूरे फुल लास्ट हो चुका है, आप इसे याद कर लेंगे। ओके गाइज, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं क्राइसिस, क्राइसिज, डेटम, डेटा, डिक्टम, डिक्टा, ये प्लुरल फॉर्म है, फॉर्मूला, फॉर्मूले, इस तरह ये वर्ड आपको दिख रहा है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं रेडियस,
रेडियाई, उसके नीचे आप देख रहे हैं ओएसिस, ओएसिज रेगिस्तान की हरी भरी भूमि, सीरीज सीरीज ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं आपको। उसके नीचे भी आपको दिख रहा है स्पेसीज जाति, यहाँ सेम होता है स्पेसीज, तो आप याद करेंगे। वन बाई वन सबको याद कर जाना, ये स्पेशल है और ये एडवांस है, ये स्पेशली कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। गाइज यहाँ टिक लगा हुआ है एल्बम, आप देख रहे हैं संग्रह पुस्तक एल्बम्स, ये जो भी टिक लगा हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद जरूर करेंगे। म्यूजियम लास्ट में है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है ऑडिटोरियम श्रोता कक्ष, ऑडिटोरियम्स एक्वेरियम, यहाँ भी जल जीवशाला जिसमें मछली पाला जाता है एक्वेरियम उसको बोलते हैं। इस तरह बहुत सारे वर्ड्स यहाँ दिख रहे हैं आपको, स्टेडियम हारमोनियम असाइलम, आप इसे याद करेंगे। यहाँ पोडियम भी आपको दिख रहा है, पोडियम्स पोडिया, ये प्लुरल फॉर्म है। नीचे आप देख रहे हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन प्रोटॉन्स, ये वर्ड्स हैं और आप इसे याद करेंगे वन बाई वन, आप इसे नोटबुक में नोट करके और वन बाई वन सबको याद कर जाएंगे। ये बिल्कुल इजी है, आप याद करेंगे तो एकदम से इजी है, सो यू कैन रिमेम्बर दिस इफ यू वांट। ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कमांडर इन चीफ प्रधान सेनापति, पासर बाई पथिक डॉटर इन ला, तो इसमें हम लोग बस एस यहाँ ऐड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसे कि एस ऐड कर रहे हैं, जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउंस के मेन वर्ड्स में एस को ऐड करते हैं और प्लुरल बनाते हैं हम लोग। ओके दिख रहा है आपको फादर्स इन लॉ मदर्स इन लॉ, तो सब में एस, मैं मेन वर्ड्स में एस को ऐड कर रहा हूँ, स्टेप मदर स्टेप फादर, यहाँ भी मैं फादर्स में मदर्स में ये ऐसे कर रहा हूँ, एस को ऐड किया हूँ, स्टेप सन यहाँ स्टेप सन्स, ये सन्स दिख रहा है आपको, सौतेला बेटा, गुड। आप देखते जाओ वन बाई वन,
लुकर ऑन, दर्शक लुकर्स ऑन, आप ही मेन वर्ड लुकर हैं तो उसमें एस ऐड किया मैंने। गाइस यहाँ आपको दिख रहा है कोर्ट ऑफ मार्शल, सैनिक न्यायालय, फौजी अदालत। तो यहाँ मैंने कोर्ट्स, कोर्ट को कोर्ट्स यहाँ पे चेंज कर दिया और मेन वर्ड्स कोर्ट है तो यहाँ एस ऐड किया हूँ। ओके, नेक्स्ट में भी दिख रहा है आपको पिक पॉकेट, तो यहाँ पिक पॉकेट्स मैंने यहाँ पे ऐड किया, एस को ऐड किया है। ओके गाइस, यहाँ नेक्स्ट में आपको दिख रहा है कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स हैं जिनमें लास्ट में एस जोड़कर, एस ऐड करके प्लुरल बनाते हैं। जैसे आपको दिख रहा है फॉरगेट मी नॉट, प्रसिद्ध नीले रंग का फूल, तो यहाँ फॉरगेट मी नॉट्स यहाँ नोट करते हैं। गो बिटवीन मध्यस्थ, गो बिटवीन्स, पिक मी अप उत्तेजक, शरबत मदिरा, पिक मी अप्स, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का एक पौधा होता है, प्लांट होता है, उसके आप प्लुरल फॉर्म में प्लांट्स करोगे आप। ओके गाइस, यहाँ नेक्स्ट आपको दिख रहे हैं कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके मेन वर्ड्स के मिडिल वोवेल्स को बदलकर प्लुरल बनाते हैं हम लोग। जैसे आपको दिख रहा है पोस्टमैन, पोस्टमैन, यहाँ डाकिया है तो यहाँ मैंने मैन को मेन में चेंज कर दिया प्लुरल फॉर्म में। ओके नेक्स्ट आप देख रहे हैं वाशर वुमेन, वाशर वीमेन मैंने चेंज किया वुमेन को वीमेन, बिगर मैन, बिगर वुमेन, भिखारी, भिखारिन, ये इस तरह वर्ड चेंज होते हैं। ओके फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गाइज आप यहाँ देख रहे हैं कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके दोनों टर्म्स को बदल कर प्लुरल बनाया जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, वीमेन सर्वेंट्स, लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड्स जस्टिस, इस तरह आप चेंज करेंगे दोनों टर्म्स को। ओके गाइज यहाँ आप नेक्स्ट देख रहे हैं कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके टेल टर्म्स में एस जोड़ के प्लुरल बनाते हैं हम लोग। स्पूनफुल, स्पूनफुल्स, हैंडफुल, हैंडफुल्स, माउथफुल, माउथफुल्स, मुंह भर, कपफुल, कपफुल्स, ग्लासफुल, ग्लासफुल्स, एस ऐड कर रहा हूँ लास्ट में। ओके चलो, ओके कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका यूज हमेशा सिंगुलर नाउन्स के रूप में होता है। जैसे आपको दिख रहा है एडवाइस, ब्रेड, बटर, चौक, डॉट, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ये इस तरह जो भी वर्ड यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सभी ओके सिंगुलर नाउन से, और आप इसे सिंगुलर यूज करोगे तो आप इसे वन बाई वन देख जाइए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर बिल्कुल। गाइज यहाँ आप कुछ एब्रीविएशंस देख रहे हैं जिनका प्लुरल फॉर्म लेटर के रिपीट कर बनाया जाता है। जैसे सी सेंचुरी तो उसको डबल सी हम लोग कर देते हैं, पी पेज डबल पी कर देते हैं, लाइन एल तो वहाँ लाइंस डबल एल कर दोगे आप प्लुरल फॉर्म में भी ये बन जाता है। आई होप, मुझे आशा है कि आप ये समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
गाइज कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स है जिनके लास्ट में एस और ई एस को ऐड करके प्लुरल बनाते हैं हम लोग, हालांकि उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे आप देख रहे हैं एडवाइस एडवाइसेज सूचनाएं, गुड गुड्स फोर्स मीन्स बल, फोर्सेज सैनिक, कॉपर तांबा कॉपर स्तंभ के सिक्के, आयरन लोहा आयरन हथकड़ी, सैंड सैंड्स। नेक्स्ट आप देख रहे हैं वर्ड प्रतिज्ञा का शब्द यहाँ पे नेक्स्ट में या प्लुरल फॉर्म में ये वर्ड्स हो जाता है। ओके सभी को वन बाई वन आप देखते जाओ। एब्यूज दुरुपयोग, एब्यूजेज कुरूतियाँ बुराइयाँ। ओके फुट फीट हॉर्स हॉर्सेज, वुड लकड़ी वुड्स जंगल, आर्म ये बाँह होता है और ये आर्म्स हथियार, कलर रंग कलर्स रंग अनेक झंडा, क्वार्टर चौथाई भाग क्वार्टर्स डेरा इसका हिंदी मीनिंग दिया हुआ है आप देख लीजिए। चलो हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं आगे। दोस्तों कुछ नाउन्स के यूज हमेशा प्लुरल नाउन्स के रूप में होता है और इसका प्लुरल वर्ब यूज करते हैं इसके साथ। जैसे आपको दिख रहा है आर्म्स भीख, ओके क्लॉथ पोशाक, आप यहाँ देख रहे हैं अरियज बकाया धनराशि, पैजामाज पैजामा, ट्राउजर्स टूल्स बाइनोकुलर्स ये भी आपको दिख रहे हैं, ग्लासेज चश्मा गोगल्स धूप का रंगीन चश्मा, ये हमेशा प्लुरल फॉर्म में यूज करते हैं और इसके साथ प्लुरल वर्ब यूज करते हैं। तो आप इसे देख जाएंगे वन बाई वन फिर से। नीचे आपको दिख रहा है फिर से रिमेंस, और रिमेंस का हिंदी मीनिंग अवशेष मैं बता दूं आपको। उसके ठीक सामने रून्स है अवशेष, ये दोनों प्लुरल फॉर्म में है। वेजिटेबल्स वैल्यूएबल्स, द हिमालयज, और यहाँ लास्ट में आपको दिख रहा है नीचे यहाँ आपको दिखेगा ये देख रहे हैं जैसे मैं हिमालयज। ओके 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 बस आप देखते जाओ वन बाई वन सबको। और नेक्स्ट में आपको दिख रहे हैं द अल्प्स पर्वत श्रृंखला। ओके चलो हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं आपको कि ये प्लुरल फॉर्म में दिखता है बट ये सिंगुलर होता है। जैसे मैं न्यूज समन्स इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स स्टैटिक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स ये सभी सिंगुलर फॉर्म में है बट देखने में ऐसा लगता है कि प्लुरल फॉर्म में है और इसके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब भी यूज करो। ओके जैसे आपको यहाँ दिख रहा है बिल्कुल। माय फ्रेंड्स कुछ ऐसे नाउन्स है जो सिंगुलर और प्लुरल दोनों फॉर्म में रहता है। जैसे आपको दिख रहा है एमंट्स एपरेटस कैनन कॉप्स सीप मीन्स पैन राइस स्पेसीज
डियर श्रीज, ये दोनों फॉर्म में रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, सिंगुलर और प्लुरल दोनों फॉर्म में रहता है। ओके गाइज, आपको नीचे दिख रहा है योग सामान, इस तरह ये वर्ड्स हैं। माय फ्रेंड्स, कुछ ऐसे नाउंस हैं जो सिंगुलर में दो मीनिंग और प्लुरल में एक मीनिंग रखता है। जैसे आपको दिख रहा है एब्यूज दुरुपयोग, फटकार, एब्यूजेज दुरुपयोग, फोर्स बल सेना, फोर्सेज सेना, गेन लाभ, गेन्स लाभ, इशू फल औलादा, इशूज फल, इस तरह यहाँ पे दो मीनिंग है सिंगुलर के लिए और प्लुरल के लिए एक मीनिंग है। तो इसे आप देख लेंगे और याद करेंगे। ओके, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कुछ ऐसे नाउन से जिनका प्लुरल फॉर्म नहीं होता है और इनका यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में करते हैं। अल्फ़ाबेट, फ्यूल, इन्फेंट्री, इशू, लगेज, ग्रेन, हेयर, ये इस तरह वर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सभी सिंगुलर नाउन हैं। ओके, तो आप इसे देख लीजिए वन बाई वन। स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ प्रोनाउन दिया गया है जो कि आप देख रहे हैं सिंगुलर और प्लुरल दोनों फॉर्म में है। आई का वी प्लुरल फॉर्म है, ये ही, दे, दिस, दिस, हिज, देयर, देयर्स, ये दोनों यूज करते हैं। इट्स, देयर, ये यूज करते हैं। मी, अस, यू, यू, सी, दे, डैड, दोज, हर, देयर, हर्स, देयर्स, इस तरह ये आपको देख रहा है, इस तरह आपको दिख रहा है। फिर ये ज्वेलरी वर्ड्स भी है, मेन वर्ड्स का सिंगुलर और प्लुरल दोनों यहाँ फॉर्म दिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे। गाइज, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ज्वेलरी वर्ड में और मेन वर्ड में एम आर, इसका ये एम का प्लुरल फॉर्म आर होता है। वाज, वर, डज, डू, रीड्स, रीड, इज, आर, हैज, हैव, आपको यहाँ दिख रहा है राइट्स, राइट, कुक्स, कुक, लास्ट में ये कुक्स, कुक है ये। ओके, I want to say something. Life is a journey, not a race. Let's enjoy the way. This journey is yours. Enjoy each and every step. Thank you. Thanks for watching this video.